ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਸ 9th ਸੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 13 ਸਰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਅਤੇ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਬੇਲਣਾ ਦਾ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ बेलनाकार टैंकी की ऊंचाई बराबर 1 मीटर सो नाल है साढ़े को बेलनाकार टैंकी का व्यास सो जो व्यास है साढ़े को 144 सेंटीमीटर सो हुण जो 140 है सो हुण जदों भी असीं क्वेश्चन हल करना है असीं डिमेंशन लिखांगे रिगार दा व्यास व्यास जां हाइट जदों भी लिखनी है तां इक गल दा ध्यान रखना है कि दोवें साढ़े को मीटर मीटर च होण जां सेंटीमीटर सेंटीमीटर च होण जो भी चीज़ां दित्तियां होण हुण एक मीटर विच है दूसरी है सेंटीमीटर दे विच सो इस नूं जदों असीं सेंटीमीटर च बदल दिंदे हां असीं करदे होणा 100 दे नाल साढ़े कोल आ 100 सेंटीमीटर क्यों कीता क्योंकि 1 मीटर बराबर हुंदा है 100 सेंटीमीटर सो मीटर तो सेंटीमीटर बनाने हैं तो उसमें अभी 100 के नाल गुणा करनी है साढ़े को सेंटीमीटर बन जाएंगे जो असं सेंटीमीटर तो मीटर वाल जाते हैं छोटी चीज़ तो वड्डी वाल जाना है तो असं उसको डिवाइड कर देना सो हुण साढ़े को इस तरह एक वाटर टैंक जिहड़ा वो बन जाता है सो जिसका साढ़े को व्यास कितना है जिहड़ा साढ़े को है व्यास में असीं लिखदे हां डी जां 2r सो ये गल्लां ध्यान रखना तुसीं बिल्कुल सो ये पूरा ही साढ़े को जिहड़ा होएगा साडा व्यास होएगा सो जिहड़ा साढ़े को 140 सेंटीमीटर सो नाल ही जो साढ़े को इसकी हाइट है ये जो बन रही है ये है साड़ी 100 सेंटीमीटर सो इस तरह साढ़े को एक टैंक जिहड़ा वो बन रहा है हुण असीं अपने क्वेश्चन ते आईए जिस सानूं क्या है पता करना है तुसीं लिख लीए पता करना है इसलिए किन्ने वर्ग मीटर चादर लगे सो असीं शीट पता करनी है कि इस टैंकी बनाने के लिए साढ़े को किन्नी शीट जिहड़ी ओह लगेगी जिसके लिए साढ़े को आएगा हम देखो शीट किस तरह पता करनी है एक साढ़े को पार्ट ए आता है फस्ट फिर साढ़े को एक पार्ट ए दूसरा नीचे आता सर्कल वाला 2 तो थर्ड पार्ट जो साढ़े को आता है सो साढ़े को 3 पार्ट हो गए जो असं तिना ही हिस्सों की तिना ही पार्ट की वीरों की गल करते हैं दोवें चक्कर की विचकार वाले भाग आयत की तो साढ़े को उसका कुल सतह का खेत्रफल जो लगता है सो साढ़े को आएगा टी एस ए सो इसलिए साढ़े को आ गया बेलनाकार टैंकी का सी एस ए जो बराबर है साढ़े को 2πr आर प्लस एच सो थोड़ा जहा फॉर्मूले देखो असं चेंज करते हैं की करना है मैं लिखता 2r इस तरह लिखा पाई इधर लिखता तो लिखता आर प्लस एच क्यों लिखा है भी तुम दस देवे सो हम साढ़े को आ गया 2 आर सो 2r का मतलब साढ़े को क्या गया व्यास सो सानू रेडियस कढ़न की लोड़ नहीं कई बार क्वेश्चन दे विच की हुंदा है साढ़े को डायमीटर दिता हुंदा है तो असीं रेडियस फाइंड कर लैंदे आ ठीक है उसनू 2 नाल डिवाइड करके अद करके असीं रेडियस कढ़ लैणा पर जदों असीं 2 नू आर नाल करांगे तां साढ़े को डायमीटर ही क्लीयर हो गया ठीक है सो 2r जिहड़ा साढ़े को किन्ना दिता गया है 140 सो ये आ गया साढ़े को 140 मल्टीप्लाई पाई दी वैल्यू किन्नी 22/7 सो ये आ गया आर प्लस एच हुण आर किन्नी है साढ़े को इत्थे जदों असीं रेडियस कढ़ना है तां साढ़े को आ गया डी अपॉन 2 140/2 साढ़े को आ गया 70 सेंटीमीटर सो ये आ गया साढ़े को आर 70 सेंटीमीटर प्लस एच किन्नी है 100 सेंटीमीटर सो ये साढ़े को सेंटीमीटर सी सो 7 × 7 = 14 साढ़े को आ गया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 ये आ गया 170 सेंटीमीटर सो हम साढ़े को सारे गुणा हो रहे हैं आपस में सेंटीमीटर सेंटीमीटर ना गुणा करेंगे साढ़े को आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर
बी नू ये अगर बी गुणा बाई गुणा 170 साढ़े कोई कोई जीरो के नहीं आ रहा टोटल मल्टीप्लिकेशन दे बेचे इन्हें दो में जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो तो साढ़े को आ गया और 20 मल्टीप्लाई 170 गुणा बाई नू साइड तेरा को सेंटीमीटर स्क्वायर तो साढ़े को बढ़ गया 00 17 गुणा 3400 मल्टीप्लाई गया बाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम 3400 नू बाई नू गुणा कर दी है बाई जीरो जीरो बाई जीरो जीरो बाई चौका 88 8 आंसर आ गया साढ़े को 8 कैरी आ गया तो ऐसे रखता है ठीक है बाई जी 66 ते 8 किन्ना आ गया साढ़े को 74 74 आ गया सो ए आ गया साढ़े को इन्नी शीट की जी साढ़े को लोड़ है वो किन्नी पक गई 76 800 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट जी सू चाहिए है जिसके असं इस डिमेंशन की जी टैंकी आ जो किसी भी कम वाटर टैंकी हो गई जो कोई भी जिस कम बरतनी है सानू जी उसकी शीट की लोड़ पवेगी सो ये साडा क्वेश्चन नंबर सैकंड सो देखते हैं नैक्सट क्लास क्वेश्चन नंबर थर्ड थैंक यू